कैरिस्मेटिक ग्रुप में सीड फॉर वेलफेयर कम्युनिटी प्रोजेक्ट की जानिब से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। ये हैप्पी मदर्स डे ना सिर्फ सीड फॉर वेलफेयर कम्युनिटी प्रोजेक्ट की तरफ से है बल्कि हमारी कैरिस्मेटिक प्रेयर ग्रुप की कमेटी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से और तमाम जो मेम्बरान यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं उन सब की तरफ से भी आप सब माओं को हैप्पी मदर्स डे। आज के इस प्रोग्राम में अजीज़ों मैं बताना चाह रही हूँ कि हम थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताएंगे, उसके बाद हम अपने प्यार का इजहार पेश करने के लिए अपनी माओं को फूल पेश करेंगे और उसके बाद आपको मौका होगा कि अगर कोई अपने माँ के लिए कुछ कहना चाहता है तो वो ज़रूर सामने आकर कह सकता है और अगर कोई अपनी माँ को कोई तोहफा देना चाहता है तो उसके लिए भी मौका होगा कि वो इस प्रोग्राम में अपनी माँ को सामने बुलाकर सबके सामने आप अपनी माँ को तोहफा दे सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा जब आप मसा ले रहे होंगे तो आपको आपका मुंह भी मीठा किया जाएगा और ये प्रोग्राम जो है ये सीड फॉर वेलफेयर कम्युनिटी प्रोजेक्ट की तरफ से होगा। सबसे पहले मैं क्वायर की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मदर्स डे के लिए बहुत खूबसूरत नगमे दोहराए, याद किए और उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया और जी हाँ, और ये मदर्स डे का जो प्रोग्राम है ये यकीनन साल में एक दफ़ा आता है लेकिन कहने वाले कहते हैं कि माँ का जो इस प्यार का इजहार है या जो उसकी अहमियत है वो एक दिन के लिए नहीं है। यकीनन मैं इस बात से एग्री करती हूँ और सब माएँ भी एग्री करती हैं लेकिन अगर कोई सारा साल याद ही ना रखे और एक दिन मना लिया जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम माँ के उस प्यार और मोहब्बत को जिस तरह हम अपने पासपोर्ट, अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, शिनाख्ती कार्ड को भी रिन्यू करते हैं टाइम टू टाइम, तो माँ की अहमियत को, उसके प्यार को, उसकी बेलौस मोहब्बत को, कुर्बानी को, उसके उस खूबसूरत जज्बे को जो दुनिया में कहीं नहीं सिर्फ खुदा ने माँ के दिल में बनाया, हम याद कर सकते हैं और अपनी अपनी माँओं को खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। मदर्स डे की छोटी सी हिस्ट्री इस तरह है कि इब्तदाई कलीसिया में मदर डे मुकद्दसा मरियम के इज़्ज़त और एहतराम में रोज़ों के चौथे इतवार को मनाया जाता था। इस डे को मनाने के लिए बहुत दिलचस्पी ली गई और इसमें आलमगीर कलीसिया के तमाम माओ ने शिरकत की और उसे मदरिंग संडे के नाम से याद किया गया। अंग्रेज़ों ने अपनी मसरूफियत की वजह से इसको मनाना छोड़ दिया लेकिन फिर 1907 में अनीटा एम जाविया ने अमेरिका शहर डेलिस में अपनी माँ को खराज तहसीन पेश करने के लिए कोशिश की और अपने साथ कारोबारी और हकूमती लोगों को मिलाकर इस बात पर आमादा किया कि मदर्स डे मनाया जाए और यूं मदर डे चर्च में कलीसियाई इबादत के दरमियान मनाया गया और माँ के प्यार, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी को गुलाब के फूल देकर इजहार किया गया। एमा की मेहनत ने 1914 में उस वक्त के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने सेकेंड संडे ऑफ मे को इंटरनेशनल तौर पर मनाने का ऐलान किया और जब से ये दिन दुनिया आलम में मनाया जाता है और सब लोग अपनी माँ की मोहब्बत और कुर्बानी को याद करते हैं, मनाते हैं और अपनी माँ को तोहफे और दुआएं पेश करते हैं और कैरिस्मेटिक प्रेयर ग्रुप में सीड फॉर वेलफेयर कम्युनिटी प्रोजेक्ट ने ये जिम्मेदारी ली हुई है। हम भी इंटरनेशनल डेज मनाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रन डे और जो हमारे ख़ास त्यौहार हैं क्रिसमस और ईस्टर का, उसमें क्रिसमस के मौके पर हम गिफ्ट हैम्पर पेश करते हैं ज़रूरतमंदों को और ईस्टर के मौके पर जब बच्चे अपनी नई क्लासेस में जाते हैं तो
तो उनकी भी मदद की जाती है। जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट फ्राइडे हमने ये प्रोग्राम किया है। तो इस वक्त मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं छोटी सी दुआ करूँ अपने उन माओं के लिए जो माँ हैं और जो पहली दफ़ा माँ बनी हैं, जो एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हैं, नानी हैं, दादी हैं, उन सब के लिए भी और माओं के लिए भी। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। अरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ। खुदावन, तू भला है, तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अरे खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं आज के वक्त के लिए, आज के दिन के लिए जो कैस्मेटिक प्रेयर ग्रुप में मनाया जा रहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने उन तमाम लेडीज़ को जो माँ हैं खुदावन इस दुनिया में रखा, उनको वसीला ज़रिया बनाया कि वो माँ बने। और खुदावन उन बच्चियों के लिए जो फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं, खुदावन उनके लिए भी दुआ है कि तू उन्हें भी बड़ा हिम्मत, हौसला, प्यार, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी और वो सारी चीज़ें जो खुदावन तू माँ के दिल में डाल चुका होता है या डाल दिया गया है खुदावन, ये सब तेरी बरकत हैं। लेकिन खुदावन चूँकि वो बच्चियाँ फर्स्ट टाइम बनती हैं तो उन्हें वो तजर्बात इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन खुदावन तूने ही अपने कलाम पाक में नानियों और दादियों को भी मुकरर किया कि वो अपने औलाद को इस बात के लिए समझाएं, सिखाएं, बताएं और उन्हें गाइड करते रहें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तू हर वक्त और हर हालत में हर एक का मददगार, रहनुमा और राबर होता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि आज के दिन जब 12 तारीख को और आज के दिन जब हम इस प्लेटफॉर्म से मदर्स डे मनाते हैं तो इस मुकद्दस महफिल में बैठी हर एक माँ को बड़ी बरकत, सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती, तवानाई दे ताकि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सेहतमंद जिंदगी के लिए जो कुर्बानियाँ, जो काम तूने उसे सिखाए हैं, बताए हैं, वो यकीनन करती रहे। और खुदावन तू शामिल हाल होगा तो बेहतरीन इंसान इस दुनिया में बनते और आगे बढ़ते, तरक्की करते रहेंगे। मसीह प्यारे के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो अजीजों, इस वक्त हम अपने प्यार के इजहार के लिए उन तमाम माओं को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। और आप सबको मैं गुजारिश करूंगी कि जो माँ हैं वो अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और मिस सलीना जो है वो अपनी दो बच्चियों की हेल्प से जिनसे उन्होंने बात की है वो भी सामने आ जाएं। बेटे आ जाओ सामने जिनसे मिस सलीना ने बात की है ताकि आप भी मिस सलीना की हेल्प कर सकें। और जो मदर्स हैं वो प्लीज़ अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, जो मदर्स हैं वो अपनी जगह पर मेहरबानी से खड़े हो जाएं। जी जी, इस छोटे से प्रोग्राम में आप को अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप अप्रिशिएट करते हैं तो यकीनन आप ताली बजा सकते हैं और हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। और ये कैरिस्मेटिक प्रेयर ग्रुप में सीट फॉर वेलफेयर कम्युनिटी प्रोजेक्ट की जानिब से उन तमाम माओं से प्यार का इजहार है जो माँ हैं, हम उनके अचीवमेंट के लिए, उनके उस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, कुर्बानी के लिए हम उनसे इजहार करते हैं। माँ का वजूद कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जिसकी कदर कीमत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी हर कदर करना बहुत आसान भी है। और वो इसलिए कि वो अपनी ज़ात के लिए माओं के तवक्कात बेहद महदूद हुआ करते हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों से अपने रिस्पेक्ट और अपना प्यार तलब करती हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। यकीनन तपती धूप में माँ एक ठंडी छाँव है, हमारी पहली शनाख्त, जिंदगी में मिलने वाली पहली बेलौस मोहब्बत
और इस तरह के दिगर बेशुमार हवाले दुनिया में सिर्फ एक ही शख्सियत के लिए हैं और वो है प्यारी माँ। मिस हो गया जी, ये हमारा कैरिस्मेटिक ग्रुप में सीट फॉर वेलफेयर कम्युनिटी प्रोजेक्ट की जानिब से आप सबको मोहब्बत का इजहार था। प्लीज़ एक बार और तालियां बजा दीजिए इस प्यार के लिए जो सीट फॉर वेलफेयर कम्युनिटी प्रोजेक्ट ने आपके सामने आपके साथ पेश किया। अब मैं चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा या बड़ा या बेटा या बेटी अपनी माँ के इजहार के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर मौका देना चाहती हूँ। कोई भी अगर आप में से कुछ कहना चाहता है और कोई भी अपनी माँ को कोई तोहफा देना चाहता है उसको भी मौका है कि वो भी अपने माँ को तोहफा पेश कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर्स, मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मैंने माँ के जज्बात की अकासी करते हुए चंद अशआर लिखे हैं जो आपकी नज़र करना चाहती हूँ। प्यो सिरां दे ताज ने आस्तर ते मावां ठंडियां छावां, प्यो सिरां दे ताज ने आस्तर ते मावां ठंडियां छावां। हर चीज़ बाजारों लभ जाती है पर नहीं लभदियां मावां, हर चीज़ बाजारों लभ जाती है पर नहीं लभदियां मावां। मावां ठंडियां छावां मैं सब नू ए सुनावां, मावां ठंडियां छावां मैं सब नू ए सुनावां। जिस घर विच लोको मां नहीं उस वेड़े दे विच छां नहीं, जिस घर विच लोको मां नहीं उस वेड़े दे विच छां नहीं। मैं रो रो पागल होई नहीं मावा वर्गा कोई, मैं रो रो पागल हुई नहीं मावा वर्गा कोई। बच्चा माँ कह बुलाए माँ फुल्ली ना समाए, बच्चा माँ कह बुलाए माँ फुल्ली ना समाए। करदी रब दा शुक्र अदा जिस बनाया मैनू माँ, करदी रब दा शुक्र अदा जिस बनाया मैनू माँ। बच्चा जब तक घर ना आए माँ खाना भी ना खाए, बच्चा जब तक घर ना आए माँ खाना भी ना खाए। जद आहट बुए ते पांदी बुआ भज के ओ लांदी, जद आहट बुए ते पांदी बुआ भज के ओ लांदी। बड़े प्यार ना बुलांदी खाना मेज ते सजांदी, बड़े प्यार ना बुलांदी खाना मेज ते सजांदी। इन्नी देर क्यों तू लाई मेरी जान सिमुठ विच आई, इन्नी देर क्यों तू लाई मेरी जान सी मुठ विच आई। करे रब को ए दुआ कौड़ी वेल वांगू इनू वदा, करे रब को ए दुआ कौड़ी वेल वांगू इनू वदा। मेरे सच्चे पाक खुदाया रखी इन्हां उत्ते सदा अपनी रहमत दा तू साया, मेरे सच्चे पाक खुदाया रखी इन्हां उत्ते सदा अपनी रहमत दा तू साया। जदों गम दी बदली छाए माँ प्यार दा हथ वधाए, जदों गम दी बदली छाए माँ प्यार दा हथ वधाए। वांग मुर्गी पर फैलाए मैनू बाहां विच छुपाए, वांग मुर्गी पर फैलाए मैनू बाहां विच छुपाए। मैनू नाल सीने दे लाए मेरे सारे गम भलाए, मैनू नाल सीने दे लाए मेरे सारे गम भलाए। मंगे रब को ए दुआ इनू लगे ना तत्ती हवा, मंगे रब को ए दुआ इनू लगे ना तत्ती हवा। मां छड दुनिया जद जांदी फिक रिश्तियां विच पै जांदी, मां छड दुनिया जद जांदी फिक रिश्तियां विच पै जांदी। सत कह गए ए सियाने मावां बाज नहीं हुंदे पेके, सानू कह गए ए सियाने मावां बाज नहीं हुंदे पेके। मावां ठंडियां छावां मैं सब नू ए सुनावां। थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जी आपकी बहुत अच्छी पंजाबी में तहरीर के लिए। खुदावन आपको बरकत दे और जो आपके दिल में ख्वाहिशात हैं वो उसे पूरा करें।
अब मैं भाई बशीर को दावत दूंगी, जो वो भी अपनी इस कोशिश में कुछ कहना चाहते हैं। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र करते हैं क्योंकि वो भला खुदा है। कलाम में लिखा है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, इससे तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। तो मैंने पिछली दफा भी गाया था, मैंने अपनी माँ पे खुद ही लिखा है तो पंजाबी में। अभी मैं नाच सुन रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ी बरकत मिल रही थी, तो मैं भी गा के बताना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ का इजहार गा के गाना चाहता हूँ। माँ मेरी ने मैनू दितिया दिल दे नाल दुआवां, माँ दे हथां विच है बरकत सबनू ए वक्त।